हाय फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि मैंने एक क्लास दिया था हाई स्कूल के लिए एनसीईआरटी की बुक से ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने पहला बेसिक कंप्लीट कराया था। उसी में कुछ और भी बेसिक्स बचते हैं, इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या बचता है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को टाइम बता दूँ कितने बजे ये वीडियोज़ अवेलेबल होंगी पर डे। तो ये जो मैथ है 10th की, टेंथ मैथ, ये आपका 8 AM पे डेली आपको सुबह मॉर्निंग में 8 बजे इसकी क्लासेस चलेंगे, 8 बजे इसकी चलेंगे, और नाइट में 8 बजे 8 PM पे आपका चलेगा इंग्लिश। मॉर्निंग में 8 बजे आपका मैथ चलेगा, नाइट में 8 बजे आपका इंग्लिश चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पाइथागोरस परिमेय से एंगल कोई भी भुजा निकालना सीख लिया था। चलिए, जैसे दो भुजाएं बाग हमें ज्ञात हो तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते थे, आधार नहीं था आधार मालूम कर सकते थे, लंब नहीं था तो लंब मालूम कर सकते थे, कर्ण नहीं मालूम तो कर्ण मालूम कर सकते थे। चलिए इसी में थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। हमने इसका नाम रख दिया ए बी सी। आराम से पढ़ते चलिए, एक एक चीज़ें बताऊँगा अच्छे से। ये हमारा हो गया, आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, एल ए एल अपान में के ए, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब ये लाल बटे कक्का क्या है, ये एक फार्मूला है। यहाँ पे हम लिखेंगे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। सबसे पहले हम लिखेंगे लाल बटे कक्का एल ए एल अपान के, फिर इसके ऊपर एल के ऊपर साइन लिखेंगे, फिर कॉस लिखेंगे, फिर टेन लिखेंगे, फिर कॉट सेक कोसेक। ये होता है सीरियल वाइज साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। बस यहाँ से चलना है, फिर यहाँ से रिपीट करते इधर आना है। अब यहाँ पर ये एल का मतलब होता है लंब, एल का मतलब लंब, ए का मतलब होता है आधार, एल का मतलब लंब है, के का मतलब कर्ण, इस के का मतलब भी कर्ण होता है, ए का मतलब भी आधार होता है। जैसे यहाँ पे हमने रख दिया थीटा, तो ये हमारा आधार हो गया। हमने क्या बताया था, थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो ये हमारा लंब होगा, और जो सबसे बड़ी भुजा वो हमारी क्या होगी, कर्ण होगी। तो लंब को हमने एल से, आधार को हमने ए से, कर्ण को हमने के से डी नोट कर दिया। देखिए यहाँ पर हम आधार को बी से भी कर सकते हैं, कर्ण को एच से हाइपोटेनियस, और लंब को पी से भी करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रूल अलग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम करते हैं पी बी पी एच एच बी, ये होता है, लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, स्टार्टिंग है, तो इसको छोड़िए, आप लोग इसको पकड़िए, सबसे बेटर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, अब आपके पास बचता है क्या, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये सारी चीज़ें होती हैं इतनी। तो इसमें हमको करना क्या है, अगर पूछ लेता है साइन थीटा बराबर, या पूछता है कॉस थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे पूछ लिया साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, तो हम क्या लिखेंगे, तो यही फार्मूला, ये जो दिख रहा है यही फार्मूला हमें काम आने वाला है। ये फार्मूला कैसे काम आएगा, साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा साइन कहाँ, यहाँ पे है, तो साइन थीटा का बाद साइन के नीचे क्या क्या है, एल है और के है, इसका मतलब क्या, ऐसे हम चलेंगे, ऊपर का पूछा है तो नीचे चलेंगे, अगर नीचे का कुछ पूछता है तो हम ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक। चलिए साइन थीटा पूछा है, साइन थीटा क्या है, एल है, एल का मतलब क्या, लंब, के का मतलब क्या, कर्ण, बस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, समझ रहे हैं ना। चलिए साइन थीटा हमने निकाला, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये हमारा हो गया। अब अगर कॉस थीटा पूछ लेता है, कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा क्या है, कॉस हमारा यहाँ है, तो कॉस के नीचे क्या है, ए है और के है, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, ये तो हमने किया है, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, तो हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण,
साइन कॉस हो गया। इसके बाद अगर पूछता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर टेन कहाँ है हमारा, टेन यहाँ है तो टेन थीटा में क्या है, ऊपर है तो नीचे की तरफ चलेंगे, ये एल हमारा लंब है नीचे आधारित क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, ये हो गया लंब बटे आधार। सेम इसका अपोजिट क्या होता है, देखिए साइन है कॉस है टेन है, नीचे क्या है साइन के नीचे कॉसेक है, कॉस के नीचे सेक है, टेन के नीचे कॉट है, इसका मतलब क्या, साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक है और टेन का उल्टा कॉट है। अगर इन सब की बात करें तो कॉट का उल्टा टेन होगा, सेक का उल्टा कॉस होगा और कॉसेक का उल्टा साइन होगा हमारा। तो अगर उल्टा होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं। उल्टा होगा तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं। चलिए इतना समझ में आया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब बात करते हैं कॉट थीटा की, अगर हम कॉट थीटा बराबर निकालें तो क्या होगा, कॉट थीटा तो हमने कहा नीचे का अगर ले रहे हैं तो हम ऊपर की तरफ चलेंगे, तो ऊपर क्या है ए और एल है, ए बटे एल तो क्या हो जाएगा, ए का मतलब आधार बटे एल का मतलब लंब, आधार बटे लंब हो गया। चलिए इसके बाद हमारा सेक आता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, नीचे हमारा के है कर्ण है, कर्ण हो गया, कर्ण बटे ऊपर ए है तो क्या हो जाएगा आधार, कर्ण बटे आधार हो गया। इसके बाद हमारा कौशिक थीटा आता है, कौशिक थीटा बराबर कौशिक थीटा का क्या है, के अपान एल, के का मतलब कर्ण होता है हमारा, कर्ण बटे में एल का मतलब लंब। चलिए दोस्तों हमने क्या कहा, हमने कहा साइन का उल्टा कोसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, टेन का उल्टा कॉट है, आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण है ना, तो साइन का उल्टा क्या है कोसेक है, तो कोसेक को देखिए कोसेक यहाँ है, कोसेक क्या है कर्ण बटे लंब, देखिए ये था हमारा लंब बटे कर्ण और ये इसका उल्टा होने के नाते ये कर्ण बटे लंब, मतलब नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे हो जाएगा। उसी तरह कॉस देखते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या है सेक थीटा, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर क्या कर्ण बटे आधार होना चाहिए, तो देखते हैं सेक थीटा बराबर क्या है कर्ण बटे आधार, ये भी हमारा सही है, ये भी सही है। फिर देखते हैं टैन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या लंब बटे आधार, तो टैन किसका उल्टा है, टैन कॉट का उल्टा है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होना चाहिए आधार बटे लंब, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, ये भी हमारा ठीक। ठीक तो हम क्या इससे निष्कर्ष निकलता है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। जितना समझ में आपका आया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। चलिए एक बार आप फार्मूले पर देख लीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार है तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। फिर आगे चलते हैं कॉट थीटा की तरफ, कॉट यहाँ है, कॉट थीटा बराबर ए और एल आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ये हमारा पी क्यू आर, यहाँ पे हम थीटा रखते हैं, तो थीटा अगर यहाँ पे हुआ तो हमारा लंब क्या होगा, हमारी ये भुजा लंब होगी, हमने क्या कहा था थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। चलिए इसको हमने ले लिया 15 सेंटीमीटर, ये जो कि हमारा आधार है, आधार हम लिख दे रहे हैं आप लोग, दिक्कत कोई ना हो। इसको हमने मान लिया 10 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है लंब है। चलिए इसको हम 20 मान लेते हैं, ये हमारा क्या है कर्ण है, कर्ण कितना मान लें 30 मान लेते हैं, 30 सेंटीमीटर। क्यों 30 मानेंगे, क्योंकि कर्ण भुजा क्या होती है सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो इसका मतलब क्या सबसे बड़ी भुजा है सबसे ज़्यादा इसका मान भी होना चाहिए, तो हमने रख दिया कर्ण, इतना दिमाग में रखना ठीक है, ऐसे नहीं रख देते कोई चीज़। चलिए ये हमने रख दिया, अब इसमें अगर पूछ लेता है साइन थीटा का मान निकालो, कॉस थीटा का मान निकालो, टैन थीटा का मान निकालो, कुछ भी कह सकता है, तो आप क्या करेंगे,
जैसे कह दिया इसने कॉट थीटा का मान, चलो साइन थीटा देख लेते हैं, साइन थीटा बराबर दे दिया इसने क्वेश्चन मार्क, ये हमारा सवाल दिया त्रिभुज पी क्यू आर, ये सारी वैल्यूज दे दी, उसके बाद कह रहा साइन थीटा का मान निकालो। तो हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा हमको निकालना है तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर साइन तो यही हमारा साइन थीटा बराबर लंब और कर्ण है, लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे कर्ण हो गया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। चलिए अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है अगर, तो हम इसका मान रख सकते हैं, लंब हमारा क्या है, लंब हमारा ये है तो हम ऊपर 10 रख देते हैं, बटे में कर्ण है तो कर्ण हमारा कितना है 30 है, हमने 30 रख दिया। चलिए थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं, साइन थीटा बराबर एक जीरो से जीरो काट दिया, बचा क्या एक बटे तीन, तो ये हमारा साइन थीटा का मान हो गया। तो चलिए अब यहीं पर एक और देख लेते हैं, साइन थीटा हमारा एक बटे तीन आ गया, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, देखिए साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा का क्या, चलिए इसी वक्त हम कोसेक का भी निकाल लेते हैं, कोसेक थीटा बराबर, चलिए साइन का उल्टा कोसेक है तो कोसेक का मान क्या होना चाहिए, एक बटे तीन है तीन बटे एक होना चाहिए, निकाल के देख लेते हैं, कोसेक थीटा बराबर क्या, कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, चलिए कर्ण बटे लंब हो गया हमारा, तो कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा 30 है, पान में लंब कितना है 10, काटेंगे 10 के 10 दस दसियाँ 30, अर्थात क्या आ गया 3 बटे 1 इक्वल टू 3, कितना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, अब अगर इसमें पूछ लेता है कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण है, तो हमारा आधार कितना है इसमें 20 है, तो हम इसको 20 रखेंगे, बटे में कर्ण है तो कर्ण कितना हमारा वहाँ पे 30 है, तो हम 30 रखेंगे, बराबर आधार बटे कर्ण लिख भी सकते हो। चलिए जी एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा क्या 2 बटे 3 बच गया हमारा, ये आंसर। अभी तो कॉस थीटा की बात होगी, कॉस थीटा का अगर सेक थीटा का आ गया तो हम बिना सॉल्व करे कर सकते हैं, सेक थीटा का मान 3 बटे 2 होगा, क्यों, क्योंकि सेक थीटा हमारे कॉस थीटा का उल्टा होता है। चलिए करके देख लेते हैं, सेक थीटा बराबर सेक थीटा, यहाँ पे हमारा सेक है तो क्या होगा, कर्ण बटे आधार, तो हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटे आधार, ये बराबर किसके है, कर्ण कितना हमारा है 30 अपान में आधार कितना, यही तो आधार है 20, एक जीरो से जीरो कट गया, बचा क्या 3 बटे 2, देखिए ये हमारे कॉस थीटा का मान 2 बटे 3 है और ये सेक थीटा का मान 3 बटे 2, इसका अपोजिट है ना। बस उम्मीद करता हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ट्रिग्नोमेट्री इसी पर बेस्ड है ये, अगर आपको अच्छे से इसकी पकड़ है तो आप जाहिर सी बात सारे क्वेश्चंस आराम तरीके से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये तो अलग अलग का मान हो गया, साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, टेन थीटा का मान अलग अलग निकालना थे तो हो गया, लेकिन अगर आपको कह देता है, कह दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको देता है तो आपको क्या करना है, साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा सबसे पहले सूत्र में आ जाओ, फार्मूले में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो हम क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, प्लस है तो प्लस, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का मान क्या है, कॉस यहाँ है, कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण हम लिख लेंगे, आधार बटे कर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो इसको सॉल्व करने पे जो आएगा हमारा आंसर होगा, लंब हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, चलिए 10 सेंटीमीटर अपान में कर्ण कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, प्लस आधार कितना है 20 सेंटीमीटर अपान में कर्ण कितना है 30। चलिए अब इतना करने के बाद ये आपका एक फ्रैक्शन हो गया, भिन्न हो गया, इसको तो सॉल्व करना आप जानते होंगे, देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों का हर क्या है 30-30 सेम है, इसका मतलब हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर हर अलग होता तो हम एलसीएम लेते हैं। चलिए हमारा हर सेम है तो वही हो जाएगा, ऊपर क्या है 10 प्लस 20 इक्वल टू, देखो ये 10 और प्लस 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा हमारा 30, नीचे भी 30, 30 ऊपर 30 नीचे काटेंगे क्या आएगा एक बार जाएगा, इसका मतलब क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या आ गया एक, हमारा आंसर बराबर एक हो जाएगा, इतना समझ में आ गया। चलिए मिटाते हैं इसको।
अगर दोस्तों यहाँ पर माइनस हो जाता, ठीक, अगर ये माइनस होता तो हम घटा देते, जैसे यहाँ पे 10 + 20 किया था ना, 10 + -20 कर देते, हमारा माइनस का 10 आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये तो हमारा साइन कॉस हो गया, हम कुछ और ले लेते हैं। हमने ले लिया टेन इंटू कॉट थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, टेन थीटा इंटू कॉट, इंटू का मतलब गुणा करना हमको। सबसे पहले टेन थीटा का मान लिखेंगे, टेन हमारा ये है तो टेन थीटा का मान ये वाला पानी अर्थात लंब बटे आधार, ये हमारा लंब बटे आधार हो गया। इंटू का मतलब गुणा, कॉट थीटा, कॉट का मतलब क्या, टेन का उल्टा होता है, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा। देखिए कॉट ही तो है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हमारा हो गया। मान रख देते हैं लंब हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, अपान में आधार कितना है 20, इंटू का मतलब गुणा, आधार कितना है 20 सेंटीमीटर, अपान में लंब कितना है 10। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई में है, हम काट सकते हैं, 10 × 1 = 10, 10 × 1 = 10, 20 × 1 = 20, 1 × 1 = 1 आ जाएगा, सारी चीज़ें कट गई। इसका मतलब क्या, आंसर बराबर 1 आ गया, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें अच्छे से बखूबी समझ में आ रही होंगी। चलिए दोस्तों, तो ये था आपका बेसिक, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के पहले चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल से आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 का पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। ये बेसिक सा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं टाइम बता देता हूँ, इस मैथ की क्लास की टाइम मॉर्निंग में 8 AM पे होगी, और ये जो आपकी इंग्लिश की क्लास है ये 8 PM पे अभी शाम को होने वाली है, ठीक है। और ये जो आपकी क्लास है ये मॉर्निंग 8 AM की है, सुबह में 8 बजे, और इंग्लिश की क्लास शाम को। ये इंग्लिश, ये मैथ, बस आपको करना क्या है, आपको हमारे साथ बहुत ही कंटिन्यूटी लगातार बने रहना है। टाइम टू टाइम आपको आके वीडियो देखने, बहुत ज़्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से बनाऊंगा, ताकि आपको वीडियो समझ में आ जाए और सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो। क्योंकि आप लोगों की स्कूल तो जाहिर सी बात अभी खुलने से रही है, इतनी जल्दी खुलेगी नहीं, तो मैंने सोचा आप लोगों को घर पर बैठ के ही नॉलेज प्रोवाइड की जाए और अच्छे से आपकी हाई स्कूल की तैयारी की जाए। मैं जल्द ही साइंस के लिए भी क्लास स्टार्ट करूँगा, तो उसके लिए मैं टाइम टेबल आपको बाद में बताऊँगा। फिलहाल आप इतना अच्छे से तैयार करते रहिए। अगर आप तक अभी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताएँ। धन्यवाद।